हेलो एवरीवन, आज की मेरी वीडियो है पाकिस्तान नेवी और एयर फोर्स में इंटेलिजेंस या एकेडमिक टेस्ट होता है उसके अंदर कंप्यूटर के बहुत सारे एमसीक्यू पाए जाते हैं जो बच्चों को पेपर में फेस करने पड़ते हैं। तो आज की मेरी वीडियो है 30 मोस्ट रिपीटेड कंप्यूटर के टेस्ट पे। ये टेस्ट आपको सिविलियन का पेपर हो, यूनिफॉर्म का पोस्टों का पेपर हो, एयरमैन का हो, टेक्निकल सेलर का हो, सब पेपरों के अंदर इंशाल्लाह ये एमसीक्यूज मिलेंगे। और स्पेशली ये यूडीसी, एलडीसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोटाइपिस्ट और असिस्टेंट के पेपर में मोस्टली ये एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। ये बच्चों से लिए गए मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखें, ये वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है। पहले क्वेश्चन ढूंढे जाते हैं, फिर उनको टाइप किया जाता है, फिर वर्ड पे करने के बाद इनको पीपीटीज पे लाया जाता है, प्रेजेंटेशन स्लाइडों पे, वहाँ पे ये इफेक्ट्स लगाए जाते हैं ताकि आपके लिए डाटा तैयार किया जाए। तो प्लीज़ जब वीडियो को लाइक करें, हमें सपोर्ट करें, चैनल को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, शिफ्ट डेल, ये बेसिकली शॉर्ट की है, जो शिफ्ट दबा के जब डिलीट का बटन दबाया जाता है तो ये शॉर्टकट की किसके लिए इस्तेमाल होती है। अगर कोई फाइल आपने डिलीट करनी है, ये उसके लिए इस्तेमाल होती है कंप्यूटर के अंदर। वाई वी यूज ऑल्ट ई, ऑल्ट ई का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एडिट करने के लिए, उसका नेम एडिट करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए ऑल्ट ई की डायरेक्ट शॉर्ट की यूज होती है कंप्यूटर के अंदर। ये कीबोर्ड से प्रोसेस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, द फंक्शन ऑफ ऑल्ट टैब, ये कीबोर्ड से अगर आपके प्रोग्राम जैसे 5-6 टैब ओपन हुए हैं, गूगल क्रोम के साथ एमएस ऑफिस खुला हुआ है, वर्ल्ड की खुला हुआ है, जेपीजी या फोटोशॉप खुला हुआ है, तो इस ऑल्ट टैब को दबाने से सारे ऊपर एक टैब की सूरत में शो हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कंट्रोल आई, इसका मतलब होता है कि आपने अगर कोई टेक्स्ट बना रहे हैं, वर्ल्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसके अंदर अगर कुछ लिखा हुआ है, उसको आपने इटैलिक करना है, थोड़ा सा टेढ़ा करना है, तो ये कंट्रोल आई की कमांड यूज होती है। कंट्रोल ओ, इसका मतलब होता है कंप्यूटर के अंदर कोई नई फाइल ओपन करने, जैसे आपने वर्ल्ड की फाइल ओपन की हुई है, एक्सेल की, पावर पॉइंट को, तो जैसे ही वो कंट्रोल ओ करेंगे, वहाँ पे ऊपर टॉप पे ऑप्शन आ जाता है और आगे नई फाइल खोलने के लिए वो आपकी लोकेशन पूछेगा, वहाँ से नई फाइल ओपन कर देगा डायरेक्ट, बजाय आप उसे मिनिमाइज करें, वायर जाए उसे बच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, विच की टू यूज रैंडम ऑफ फाइल टू फोल्डर, मतलब कि आप रीनेम है, रीनेम उसका जो करना होता है उसके लिए कौन सी कमांड यूज होती है किसी फाइल और फोल्डर का, तो उसके लिए F2 कमांड यूज होती है। 7, Alt F किसके लिए यूज होती है कीबोर्ड से, ये फाइल मेन्यू ऑप्शन में जाने के लिए यूज की जाती है। इसी तरह कंट्रोल A, तमाम टेक्स्ट जो लिखा होता है, जैसे वर्ल्ड के अंदर अगर आपने कुछ टाइप किया हुआ है, तो उसको आप बजाय एक ऑप्शन है कि माउस से सारा सेलेक्ट करें, कंट्रोल ए करेंगे तो वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कंट्रोल बी से जो टेक्स्ट आपने लिखा होता है, वर्ल्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या कहीं भी लिखा होता है, उसको बोल्ड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, कंट्रोल एस से वो जो आपकी फाइल ओपन होती है वो सेव हो जाती है। F1 ये हेल्प होती है, बेसिकली आपको कोई भी चीज़ ढूंढनी है, जैसे एक्सेल का को आपको कोई फार्मूला चाहिए, आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप F1 से डायरेक्ट उसकी सर्च बार में लिखेंगे, वहाँ से फार्मूला उठा के कॉपी पेस्ट करके अपना डाटा एंटर करके आपका फार्मूला काम कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कंट्रोल सी, ये कॉपी की कमांड होती है। मैं आपको शॉर्ट की हैं इसलिए ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि मोस्टली पेपर्स के अंदर शॉर्ट की हैं देखी गई हैं, आसान मतलब उसको बनाने के लिए पेपर भी आसान हो जाता है और शॉर्ट की हैं से बच्चों का पता भी चल जाता है कि इनको कंप्यूटर किस लेवल का आता है। क्वेश्चन नंबर 13, कंट्रोल एन से न्यू फाइल ओपन होती है। अगर आपने जैसे वर्ल्ड की एक फाइल ओपन की हुई है या एक्सेल की हुई है, तो आप बजाय बाहर जाएं, नया सर्च करें, वहाँ से एक्सेल को ओपन करें, तो डायरेक्ट कंट्रोल एन करेंगे, वहाँ से नई फाइल एक्सेल की खुल जाएगी। उसके बाद F5 प्रोग्राम को रिफ्रेश करने के लिए होता है। कंट्रोल एक्स से फाइल कट हो जाती है, अगर एक जगह से आपने कॉपी करके दूसरी जगह फेंकना है, तो इसी तरह कंट्रोल वो फाइल उधर भी रहेगी, नई जगह भी कॉपी होगी, लेकिन एक्स से वो पूरी फाइल पिछली कट जाएगी और आगे नई जगह पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद ये ग्राफिक फॉरवर्ड प्रोसेसर, तो ये ग्राफिक्स जितने भी होते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे जैसे कंप्यूटर का आइकन लेना है, कुछ भी लेना है, तो वो सारे क्लिप आर्ट के अंदर पड़े होते हैं, ये कंप्यूटर के अंदर तीसरी टैब वाला ऑप्शन होता है उसके अंदर पड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम दैट अ वर्ल्ड टेबल कैन हैव, मतलब अगर एक कोई टेबल है उसके अंदर मैक्सिमम इनिशियल कितने रो और कॉलम्स होते हैं, तो वो एक ही होता है, उसे आगे आपको खुद मैन्युअली इंसर्ट करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, इन एक्सेल यू कैन कॉपी सेल फॉर्मेट फ्रॉम वन सेल टू अनदर यूजिंग बाय, अगर आपका एक चीज आपने लिखी है, जैसे मैंने अपना नाम एहसन लिखा है, उसको मैंने इटैलिक किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, आप चाहते हैं कि दूसरा कोई लफ्ज़ लिखें और उसको डायरेक्ट आप कर दें, तो फॉर्मेट पेंटर वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे और उसे जैसे ही इसको एक्सेल है इसको सेलेक्ट किया,
ऊपर फॉर्मेट पे एंटर किया और नीचे उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो हूबहू उस जैसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, इन एक्सेल दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर सिमिलर टू अकाउंटिंग वर्कशीट। ये अकाउंटिंग वर्कशीट की तरह होता है, ये स्प्रेड शीटें होती हैं। जब एक्सेल ओपन किया जाता है उसके अंदर जितनी भी शीट्स होती हैं उनको स्प्रेड शीट्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, इन एक्सेल डिफॉल्ट हेडर ऑफ वर्कशीट इज। एक्सेल के अंदर देखें कि वर्ड के अंदर हेडर फुटर होता है, एक्सेल के अंदर नहीं होता। 21, एमएस पावर पॉइंट टू काइंड ऑफ साउंड इफेक्ट फाइल डेट कैन बी एडिड टू प्रेजेंटेशन आर। ये दो फाइल्स होती हैं, एक .mid और दूसरा .wav फाइल। आप सिर्फ इसको साउंड इफेक्ट में डाल सकते हैं और प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं। ये पावर पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्वेश्चन नंबर 22, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द फॉलोइंग फॉर्मेट ऑप्शन शुड बी यूज्ड टू डिस्प्ले डॉलर। ये करेंसी का वो साइन यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट इज पेस्ट। अच्छा, अगर कोई भी चीज़ आपने दूसरी कॉपी कट की हुई है तो उसको पेस्ट करने के लिए डायरेक्ट आप बजाय माउस से क्लिक करें, कंट्रोल वी करके भी आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। मैक ऑपरेशन सिस्टम इज डेवलप बाय, ये एप्पल ने डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 25, अ ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड बाइट। अच्छा, सबसे पहले देखें कि एक जो बिट होती है वो एक डाटा स्टोर करती है और 8 बिटें मिलके एक बाइट बनाती है। तो इसी तरह फिर आगे KB, MB और GB बनाए जाते हैं, TB, इसी तरह आगे चलते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द यूज ऑफ फायरवॉल इन अ कंप्यूटर। ये सिक्योरिटी के लिए यूज की जाती है, कंप्यूटर की प्रोटेक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, द कंप्यूटर अब्रीविएशन OS स्टैंड फॉर, इसी ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। व्हिच इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अमंग द HTML। तो ये HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसे तरह पाइथन जावा काफी सारी हैं, ये भी यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, .jpeg इज एन एक्सटेंशन ऑफ विच टाइप ऑफ फाइल। ये इमेज की एक फाइल होती है। क्वेश्चन नंबर 30, द फर्स्ट इंटरनेट सर्च इंजन वॉज आर्ची। सबसे पहले आर्च ने ये सर्च इंजन यूज किया था, ईजाद किया था। 30 MCQs थे। इसी तरह नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी वो फिजिक्स केमिस्ट्री पे, और उसमें जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडी, इंटेलिजेंस, वो तमाम पार्ट मैं बनाऊंगा और फिर एक वीडियो पूरी कंपाइल करके इंशाल्लाह मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। तो ये अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें। देखें, ये वीडियोज आपके लिए हैं, बहुत मेहनत की जाती है, बनानी पड़ती हैं, हर चीज़ स्टेप बाई स्टेप करनी पड़ती है। एक वीडियो को बनाने के लिए कम से कम 2 दिन चाहिए, तो पूरी एक पेनफुल जॉब है। तो ये आपकी सपोर्ट आपके लिए बनाई जाती है, आपकी सपोर्ट मिलेगी तो हम इसमें आगे आपके लिए अच्छा काम करेंगे। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।